गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पहले फर्स्ट राउंड की ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसका शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, अर्थात आपका भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ है और इस अर्थात आपका भी काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो काउंसलिंग का शेड्यूल तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले क्या करना है, कैसे करना है, मैंने क्या करा, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, एनालाइज कर लेना है, जिससे आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और कोई तरीके की प्रॉब्लम होती भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पर आप जाइए और मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी जितनी भी हो सकेगी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो दोस्तों आपका रैंक कार्ड आ ही गया होगा, ठीक है, तो रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग उस पर रैंक मेंशन होगी। अब उस रैंक जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग होनी है। अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब होगी तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, दो से हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड होगी और एक दो आधार कार्ड आपका अपलोड होगा। तो इसके बाद 300 रुपये फ़ी पेमेंट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। पहले 2 दिन रजिस्ट्रेशन होता है और आपकी चॉइस फिलिंग होती है, तो पहले और दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन, लेकिन दूसरे दिन से ही आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यानी 2 दिन दोनों का मौका मिलता है, लेकिन उसके बीच में जो दूसरा दिन होता है वो कॉमन होता है, यानी उस दिन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट रहती है। ये बात आप समझ गए और बहुत ही कम टाइम में आपकी काउंसलिंग होगी, तो आपको सब कुछ पहले ही एनालाइज करके रखना है, जैसे काउंसलिंग शुरू हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़े, आप सीधा फाइट करो और अपने काम को आगे बढ़ाओ। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होगा दोस्तों, कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब कॉलेज सेलेक्ट करना है रैंक के अकॉर्डिंग, कितनी रैंक है आप वीडियो देखिए और आप कमेंट में भी बताइए और व्हाट्सएप में बताइए कि मुझे कौन कौन से कॉलेज चाहिए, तो उसके बारे में मैं हेल्प करने का प्रयास आप लोगों का करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप ले सकते हैं। वहां से आप कॉलेज सेलेक्ट करिए, और कॉलेज सेलेक्ट करिए तो क्या करिए, पहले ध्यान देने वाली बात कैसे करा मैंने उसको भी समझ लीजिए, कि कॉलेज सेलेक्ट करना है ऑर्डर वाइज। आपकी रैंक है 5000, लेकिन आप सबसे ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं मुजफ्फ़रनगर, तो वो कभी लखनऊ आपको नहीं देगा, कभी कानपुर नहीं देगा, कभी गाज़ियाबाद नहीं देगा, कभी गोरखपुर नहीं देगा, वो देगा मुजफ्फ़रनगर। तो आपको पहले टॉप सरकारी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे का कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का रैंक है अच्छा, वो कहेंगे नहीं मुझे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर ही चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर लो ना, कोई रोक थोड़ी रहा, उसे सबसे ऊपर फिलअप कर दो। लेकिन वो क्या करते हैं कि सिर्फ 2 ही कॉलेज फिलअप करके, 1 ही कॉलेज फिलअप करके रह जाते हैं। तो उनसे क्या होता है उनका, कि वो तो मिला नहीं क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी सीट ज़्यादा फुल हो गई और जल्दी से फिल हो गई और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं रह पाई, और आपको लग रहा था कि हमारी रैंक उतनी अच्छी है और आपके हाथ से मिस हो गया। और बाद में आप थर्ड राउंड में आप जाओगे तो पता लगा जितने टॉप सरकारी कॉलेज सबकी सीट फुल हो चुकी है, फिर आप एक किसी रद्दी कॉलेज में एडमिशन कराओगे और अपने 3 साल के डिप्लोमा की इज्जत लूट लोगे। तो यही होगा आपके साथ। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है और आपको टॉप सरकारी कॉलेज को ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर दिया, चॉइस लॉक कर दिया। चॉइस लॉक करने के बाद क्या होगा, सिंपली आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका कॉलेज मेंशन होगा। अगर कॉलेज मेंशन है और आपको वो कॉलेज अच्छा लग रहा है या आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है तो उसे आप फ्रीज कर दीजिए, नहीं मन कर रहा है तो फ्लॉट कर दीजिए। सेकेंड राउंड में आराम से पार्टिसिपेट करिए। सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे देन आपको क्या होगा कि फिर से कॉलेज मिलेंगे। तो इस बार अगर अच्छा लग रहा है तो उसे फ्रीज कर दीजिए। जब जिस राउंड में आप फ्रीज करेंगे देन आपको एक लेटर लेकर मिलेगा, जो कि फ्रीज लेटर होता है। फ्रीज लेटर लेकर आप जाएंगे कहाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सेंटर पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, किस सेंटर पे होगा, ये आपके ज़िले के ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है और आपको किस सेंटर पे जाना है उस फ्रीज लेटर में मेंशन होता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होगा वो उसी में मेंशन होगा। तो आपको उस एड्रेस पर जाना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है।
वो एक लेटर देंगे, उस पर सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा। उसे लेकर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पर आपका एडमिशन होना है। ये फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है? फिजिकल रिपोर्टिंग है दोस्तों कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का ब्यौरा आपके साथ, मतलब आप फिजिकली वहाँ पर पहुँच करके जाएंगे और आपका एडमिशन डन होगा। एक फॉर्म देंगे, उस पर फ़ोटो चिपकानी होगी एक दो जगह, सिग्नेचर करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक फ़ाइल में लगा के दे देना है। और 1172 रुपये की एक DD जमा होती है, जिन्हें आपको कैश लेकर रखना है। और कि बैंक बता देंगे किसी बैंक में आपकी DD है, ये वो DD देंगे और आपसे जमा करके दो पेज उनको दे देंगे, और एक पेज बैंक वाला ले लेता है, एक पेज आप रख लेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो ये था आपका प्रोसेस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। हॉस्टल उसमें चाहिए तो आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देंगे आप, वो 2-4 दिन में आपको बता देंगे कि आपको हॉस्टल अलाट हो गया है, और आप जाके आप सिंपली फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कैसे लगा इन्फॉर्मेशन बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, लव यू।